नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर दिन कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोविड टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मेरठ शहर में केवल 2,500 रुपए में कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही थी और ये गोरख धंधा न जाने कब से चल रहा था। इस मामले की वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तब जाकर स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी। दरअसल हापुड़ रोड तिरंगा गेट के न्यू मेरठ हॉस्पिटल मैनेजर शाह आलम ने एक शख्स से 2,500 रुपए लेकर यह दावा किया कि उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दी जाएगी। बाकायदा ये रिपोर्ट जिला अस्पताल से बनेगी और कोई भी उस रिपोर्ट पर उंगली नहीं उठा पाएगा क्योंकि वहां की मुहर भी होगी और रिपोर्ट के आधार पर कोई कहीं भी जा सकेगा और उसे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। उस शख्स ने इस बातचीत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला हापुड़ रोड के न्यू मेरठ हॉस्पिटल का है। अस्पताल के मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। अस्पताल को सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग को डर है कि कहीं अस्पताल ने किसी संक्रमित मरीज को नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं थमा दी और वो खुलेआम घूमकर कोरोना की चेन को मजबूत करने में लगा हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।